ओके हेलो एवरीवन, कल मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी थी कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर एक ट्रायंगल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको उन सबका टेल टू हेड कॉम्बिनेशन देखना होता है। मतलब अगर हम स्टार्ट करते हैं टेल टू हेड, फिर से टेल टू हेड और फिर से टेल टू हेड, तो आपके पास क्लोज्ड लूप बन जाता है। क्लोज्ड लूप मतलब ये हो गया कि अगर ये तीनों वेक्टर्स मान लीजिए ए बी सी है, तीनों का सम जीरो होगा अगर क्लोज्ड लूप फॉर्म होता है तो। बात समझ में आ रही? अच्छा, और ये पॉलीगन में भी होगा। तो पॉलीगन वाली बात जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए अपने पास एक ऐसा वेक्टर है जो कि क्लोज्ड लूप एक क्वाड्रिलेटरल शेप में बना रहा है, मतलब टेल टू हेड वेक्टर ए, फिर से टेल टू हेड वेक्टर बी, फिर से टेल टू हेड वेक्टर सी, ओके, और फिर से टेल टू हेड वेक्टर डी। अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलोगे कि चारों वेक्टर क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, मतलब जहां से ये चालू हुआ था लास्ट वाला वेक्टर का एरो या जो उसका हेड है वो वहां पर आके खत्म हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल्स जीरो, ठीक है। सारे वेक्टर का जो एडिशन होगा वो जीरो होगा। वेक्टर का एडिशन स्केलर के एडिशन जैसा नहीं होता है। वेक्टर में कंपोनेंट होते हैं भाई, आई कैप और जे कैप, है ना, तो उसका एडिशन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो अपन सीखेंगे। इसका अगर आपको प्रूफ देना हो तो वो प्रूफ मैं आपको आसानी से दे सकता हूँ, देख लीजिएगा, है ना। हर किसी की नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। देखिए, आपके सामने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखा है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो वेक्टर सी वो है ना, तो वेक्टर ए प्लस बी यहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वाली लाइन। आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल लॉ में होता क्या है कि क्लोज लूप नहीं होता हमेशा। ट्रायंगल लॉ में तो खैर हमेशा, रुक जाओ एक मिनट, है ना, ट्रायंगल लॉ में होता क्या है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, आपका वेक्टर सी जो है इसके टेल से और इसके हेड से कनेक्टेड होना चाहिए, तब आपका ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हो जाता है। तब आप बोलते हो कि इसका और इसका जो वेक्टर एडिशन होगा वो ये वाला येलो वाला वेक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग वही वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ओके। हमने बोला कि ये ए है और ये बी है, तो ये येलो वाला डेफिनेटली ये यहाँ पे एरो लगा है, इसलिए ये ए प्लस बी होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको डी बोल देते हैं, तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या होना चाहिए, वेक्टर ए बी, देखो ए से स्टार्ट होने वाला, बी से खत्म होने वाला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए, प्लस वेक्टर बी सी, ये वाला वेक्टर है ना, तो वेक्टर बी सी, ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, हैंग हैंग हैंग, प्लीज वेट करिए आप थोड़ा सा। तो लिखो आप वेक्टर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, है ना, ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये समझ में आ रहा है अपने को। चलिए, अगर अपने को ये समझ में आ रहा है तो वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी सी क्या है, वेक्टर बी, और वेक्टर ए सी क्या है, वेक्टर ए सी इज वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ध्यान से देखा ये वाला ट्रायंगल ए सी एंड डी, ए सी डी ट्रायंगल को ध्यान से देखो बेटा, हाँ वहां पे भी एक ट्रायंगल लॉ लग सकता है। क्या ट्रायंगल लॉ लगेगा उसमें, ये ट्रायंगल लॉ लगेगा कि अगर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर, भाई खत्म, ट्रायंगल लॉ यही तो कहता है। देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, टेल टू हेड, फिर से टेल टू हेड, अगर ऐसा आता है आपके सामने तो आप क्या बोल सकते हो कि पहला टेल से लेके आखिरी हेड तक का जो होगा वो सम के बराबर होगा। यार ये क्या हो गया इसको आजकल, थोड़ा रुक जाए ना, इरिटेटिंग हो गया आजकल सिस्टम। हाँ भाई, फिर से देखो, ये टेल इतनी देर बाद आ रहा है, टेल से हेड, फिर से टेल से हेड, और पहला टेल से लेके आखिरी हेड तक करोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो सम कहलाएगा, तो पहले दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। तो आप इस ट्रायंगल में ये लिख सकते हो
क्या लिख सकते हो, इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी आप क्या लिख सकते हो, एसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर। देखो ध्यान से, मैं बहुत सोच समझ के लिख रहा हूँ। एसी वेक्टर ये वाला यहां से चालू और यहां पे खत्म, और सीडी वेक्टर सी से चालू और डी पे खत्म। ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, एडी के बराबर हो, इनका सम होगा, वेट अ सेकंड, इसका सम होगा आपके, इसके बराबर होना चाहिए था, है ना। अच्छा, ये जो ब्लू वाला मैंने आपके सामने बनाया, ये क्या है, ये डी वेक्टर की लंबाई के बराबर है। इसकी लेंथ जो है ब्लू वाले की, वो डी वेक्टर की लंबाई के बराबर है। डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर ये वाला है जो पहले से बना हुआ है। देखो यहाँ पे, ये पहले से जो वेक्टर बना हुआ है वो डी है, तो इसके जस्ट उल्टा वेक्टर आ जाएगा माइनस डी, है ना। तो ये ए सी, ध्यान से देखो बहुत आसान है, ए सी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए डी, है ना, विल बी इक्वल टू ए डी। ए सी कितना है, ए प्लस बी, अच्छा, और सी डी कितना है, सी, सी डी है वेक्टर सी, और ए डी क्या है, ए डी है वेक्टर डी का नेगेटिव। वेक्टर डी ये वाला था, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस डी, तो माइनस डी वेक्टर ए डी, तो ये आ जाएगा माइनस डी वेक्टर। तो यहां से आपके सामने आ जाता है कि क्लोज लूप में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ए डी को भी इधर बुला लो, वेक्टर डी जीरो हो जाते हैं। ये प्रूफ आ गया आपके पास। ऐसा आप क्वाड्रिलेटरल के अलावा अगर आपके सामने पेंटागन दे दिया जाए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इधर से इधर वेक्टर, और फिर यहीं पे जहां से चालू हुआ वहां से खत्म हो गया, तो आप क्या बोलोगे, इन सारे वेक्टर्स का जो सम होगा वो जीरो होगा। क्लोज्ड लूप में सम क्या होता है, जीरो होता है। उसका अपन एक छोटा सा प्रूफ देखा, प्रूफ इसलिए देख लिया क्योंकि एनसीईआरटी में और बोर्ड एग्जाम में, मतलब इन जनरल आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस। तो आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि इफ दिस इज वेक्टर सी, अगर ये वेक्टर सी है तो इसका जस्ट उल्टा अगर मैंने बना दिया, इसका जस्ट उल्टा बना दिया सेम लेंथ का वेक्टर, तो वो माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो सेम लेंथ का अगर बना दिया मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये वेक्टर्स दोनों जो है वो पैरेलल है, तो दे आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि आप इनको पैरेलल वेक्टर्स को ऐसे मूव कर सकते हो ना। आप इसको उठा के यहां रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के आप इधर रख दो, तो क्या पता चल रहा है आपको कि दोनों का लंबाई जो है वो बराबर है, बस डायरेक्शन उल्टा है। डायरेक्शन उल्टा है मतलब वन वेक्टर कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ अदर, है ना। एक वेक्टर को आप दूसरे का नेगेटिव लिख सकते हो अगर दोनों की लंबाई बराबर है और डायरेक्शन उल्टा है तो, ठीक है। चलिए, तो जस्ट वेट, ओके, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन जो है, आई एम सर्चिंग फॉर दैट। इफ पी वन, पी टू, P3, P4 are points in a plane. Are points in a plane or space. And O is the origin of vectors. Show that P4 coincides P4 coincides with O if and only if OP1, vector OP1 plus vector P1, P2 plus vector P2, P3 plus vector P3, P4
इन चारों वेक्टर्स का सम जो है वो जीरो नल वेक्टर के बराबर होगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखे आप पहले, देखते हैं अपन, है ना, काफी आसान है क्वेश्चन। एक बात समझते हैं अपन, है ना। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट अपन समझते हैं जिसको मैं टिप बना के लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, देखिए क्या होता है कि अगर आपको बोला जाए कि इफ सम ए बी वेक्टर, अगर कोई ए बी वेक्टर है, पहले बताइए ए बी वेक्टर का मतलब ए से चालू हुआ और बी पे खत्म हुआ, है ना। अगर अपने पास कोई ए बी वेक्टर है और इफ इट इज अ नल वेक्टर, अगर कोई भी ए बी वेक्टर नल वेक्टर है, इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है दोनों सेम पॉइंट रहे होंगे, दोनों को इंसिडेंट रहे होंगे। सोच के देखो, अरे भाई अगर नल वेक्टर है तो मतलब ये पॉइंट ए बी दोनों की दोनों सेम रहे होंगे ना, तभी तो ये नल वेक्टर आएगा, इसका लेंथ जीरो आएगा, भाई जहां से चालू हुआ वहीं से खत्म हो जाएगा। तो लिखिए अगर ऐसा है तो देन पॉइंट ए एंड बी आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा और स्टेट बोर्ड में भी डेफिनेटली मिलेगा आपको। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, जेई में नहीं आएगा। तो अपन पहले बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखेंगे तो देखिए आपको क्या बोला गया है कि ओ पी वन प्लस, लिख दो यहाँ पे ओ पी वन प्लस पी वन पी टू प्लस पी टू पी थ्री प्लस पी थ्री पी फोर, ये नल वेक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो देखिए ओ पी वन को बोलो, जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो, ओ पी वन मतलब ओ से चालू होने वाला और पी पे खत्म होने वाला, पी वन पे खत्म होने वाला। तो ओ से चालू होगा और पी वन पर खत्म होगा, तो ये ओ पी वन वेक्टर ऐसा आएगा। उस पर आपने क्या कर दिया, पी वन पी टू, पी वन पी टू मतलब पी वन पे चालू होने वाला और कुछ पी टू पॉइंट होगा जहां पर खत्म हो रहा है वो, इन दोनों का एडिशन, ये दोनों वेक्टर जो है इन दोनों का एडिशन लिखा है अपने सामने। तो आप बताइए ओ पी वन प्लस ओ पी वन पी टू इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, ट्राइंगल लॉ से ये आ जाएगा इनका एडिशन, दिस विल बी द एडिशन ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा आपके सामने ओ पी वन प्लस पी वन पी टू, ये ऑरेंज वाला। अब इसमें पी टू पी थ्री ऐड करना है आपको, पी टू पी थ्री वो वेक्टर हो जाएगा जो पी टू से चालू होगा और कुछ पी थ्री पॉइंट पे खत्म होगा, है ना। तो ये रहा पी टू पी थ्री वेक्टर, दिस वेक्टर इज पी टू पी थ्री वेक्टर। अच्छा, तो आपको ये वाला वेक्टर मतलब ऑरेंज वाला वेक्टर जो है इसको इससे ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आपको अब ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। अभी ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, दिस दिस प्लस दिस, तो आपको इससे मिल क्या जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर क्या आ गया, येलो वाला, दिस वन, मतलब दिस वेक्टर प्लस पी टू पी थ्री वेक्टर, पूरा पूरा लिख दूं मैं पक्का। तो ये वाला वेक्टर क्या है, पूरा लिखना पड़ेगा, ओ पी वन प्लस पी वन पी टू, ओ पी वन प्लस पी वन पी टू प्लस पी टू पी थ्री वेक्टर, पी टू पी थ्री, पी थ्री पी टू मत लिख देना, उल्टा हो जाता है, पी टू पी थ्री वेक्टर, ये आ गया ऑरेंज वाला, ये येलो वाला। अब हम लोगों ने देखा कि इसमें पी थ्री पी फोर भी ऐड करना है। अच्छा, वॉट इज पी थ्री पी फोर, क्या रहेगा पी थ्री पी फोर, ये पी थ्री पी फोर भी ऐड करना है ना आपको। तो पी थ्री पी फोर एक ऐसा वेक्टर है जो पी थ्री से चालू हो रहा है और पी फोर पे खत्म हो रहा है, तो पी थ्री से चालू हो रहा है और पी फोर पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पी थ्री पी फोर वेक्टर, मतलब ये शुरुआत में जो मैंने आपके सामने बनाया ना येलो वाला, ये वाला वेक्टर प्लस पी थ्री पी फोर करा अपन, तो ये येलो वाला वेक्टर प्लस पी थ्री पी फोर अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो टेल टू हेड मिलना चाहिए आपको ये वाला वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना आप, मिलना क्या चाहिए आपको, आप ट्रायंगल को अगर देख पा रहे हो तो मैं पॉइंट्स बोल देता हूं, ये ए
अच्छा एबीसी नहीं, अपने सामने तो पॉइंट्स है ही ऑलरेडी ना। तो देखिए आपके सामने अगर ओ पी थ्री पी फोर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ओ पी थ्री पी फोर ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल वाला लगाइए, देखिए टेल टू हेड फिर टेल टू हेड, तो ये क्या आएगा पहला टेल से लेके आखिरी हेड तक, ये वाला जो आपका सम आ रहा है वाइट वाला वो कहलाएगा आपका येलो वाला वेक्टर। येलो वाला क्या है, ओ पी वन प्लस पी वन पी टू प्लस पी टू पी थ्री, येलो वाला वेक्टर प्लस पिंक वाला, पिंक वाला क्या है पी थ्री पी फोर, वो कहलाएगा ये ओ पी फोर। ये व्हाइट वाला क्या कहलाएगा, ओ पी फोर। ट्रायंगल लॉ लगा पा रहे हो ना, एकदम फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही बेकार में भाई। ओ पी थ्री पी फोर इसमें ट्रायंगल लॉ लगाइए, तो ये वाला वेक्टर दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, वही लिखा है मैंने नीचे। येलो वाला ये है, ये येलो वाला है और ये पिंक वाला है, इसको जब जोड़ोगे तो आपके सामने ओ पी फोर आना चाहिए। और आपको बोला है कि इन चारों का सम जो है वो ओ पी फोर आ रहा है अपने हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से जीरो आ रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब ओ पी फोर वेक्टर अगर नल वेक्टर है, अगर ओ पी फोर नल वेक्टर है इसका मतलब क्या हो गया कि ओ और पी फोर दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट रहे होंगे। इट इंप्लाइज दैट पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी फोर मस्ट बी कोइंसिडेंट, तभी तो नल वेक्टर बनेगा। नल वेक्टर जहां से चालू होता है वहीं खत्म हो जाता है, मतलब ओ से चालू होकर पी फोर पे खत्म हो जाएगा, मतलब ओ और पी फोर एक ही पॉइंट होने चाहिए, और आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आपको ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, कई बार पूछा गया है, आपको यही प्रूफ करना शो दैट पी फोर कोइंसाइड्स विद ओ। तो अपने नोट कर दिया, ओ एंड पी फोर आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? तो ये देखिए ट्रायंगल लॉ अपन सिस्टमैटिक तरीके से अगर लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी अपने से, कभी भी गलती नहीं होगी। अच्छा एक और करते हैं अपन क्वेश्चन। इफ वेक्टर पी ओ प्लस वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू ओ प्लस वेक्टर ओ आर, अगर ऐसा है तो आप क्या करें, शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। ट्राई करो, काफी आसान है, अभी आप सोचोगे आपसे सबसे बन जाएगा, धीरे धीरे अपन वेक्टर इतना अच्छे से कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, वेक्टर थ्री डी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होना चाहिए, मतलब इससे क्वेश्चन आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए जेई के एग्जाम में, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और ये इससे क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, जो बच्चा ढंग से तैयारी कर रहा है उसको वेक्टर थ्री डी पूरा आता है, तो आपको भी अच्छे से आना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखें। देखेंगे अपन ध्यान से, काफी आसान है। देखो पीओ प्लस ओ क्यू, हर कोई मेरे सामने बस स्क्रीन में देखे, मैं जो लिख रहा हूं वो लिखे। पीओ कौन सा वेक्टर है जो पॉइंट पी से चालू होगा और पॉइंट कहां पे खत्म होगा, ओ पे खत्म होगा। बहुत बढ़िया, पॉइंट ओ पे खत्म होगा, ये पीओ वेक्टर है। किसके साथ जोड़ा गया, ओ क्यू। ओ क्यू एक ऐसा वेक्टर है जो ओ से चालू होगा, मतलब यहां से चालू होगा ओ से, और कहां खत्म होगा, क्यू पे खत्म होगा। तो ये क्यू पॉइंट रहा होगा, कोई कोई भी मान लो क्यू पॉइंट, ये आपके सामने डिजाइन दिया गया। ओ हो, ये तो ट्रायंगल लॉ बन रहा है, मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू टेल टू हेड वाला, टेल टू फाइनल हेड, इनिशियल टेल से फाइनल हेड। तो ये वाला वेक्टर आपको क्या मिल रहा है, कौन सा वेक्टर है, ये येलो वाला। तो ओ क्यू सॉरी पी ओ प्लस ओ क्यू विल गिव यू पी क्यू। येलो वाले वेक्टर का नाम बताओ जल्दी से, येलो वाले वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया एलएचएस, समझ में आ रहा है? थोड़ा डिटेल में लिखते हैं अपन इसको। एलएचएस में क्या लिखा, पीओ प्लस ओ क्यू, पी ओ वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, आरएचएस में क्या दिया, क्यू ओ वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर, है ना। देखते रहे आप शांति से, आप बिना फिगर बनाए भी कर पाएंगे, लेकिन पहले आप फिगर बना के करें। ये क्या आ रहा है इसका आंसर, पी से चालू होने वाला वेक्टर और क्यू पे खत्म होने वाला, मतलब पी से चालू, इसका आंसर क्या आएगा, पी से चालू क्यू से क्यू पर खत्म,
पी क्यू और ओ क्यू वेक्टर। अच्छा अब इधर देखते हैं अपन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ये क्या है क्यू ओ, मतलब क्यू कोई पॉइंट है वहां से चालू होने वाला और ओ पर खत्म होने वाला, तो क्यू ओ ठीक है। अब क्यू ओ तो बेसिकली होना ये वाला वेक्टर चाहिए था, बट मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ। क्यू ओ वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी क्यू ओ प्लस ओ आर, ओ आर मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ओ आर क्यू ओ प्लस ओ आर आपको देगा क्या, आपको ट्रायंगल लॉ से वो ये वाला वेक्टर दे देगा। और ट्रायंगल लॉ से जो वेक्टर आ रहा है उसका नाम मैंने देखा, तो क्यू से चालू होने वाला और आर पे खत्म होने वाला, तो क्यू आर आ जाएगा, मतलब ये वाला वेक्टर आपको डेफिनेटली क्यू आर दे देगा। एंड इफ इट इज क्यू आर वेक्टर, तो आपके सामने क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर वेक्टर। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखना नहीं है बिल्कुल भी, देखते रहो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर आ गया आपके सामने, है ना। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू, दिस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, बराबर मत बोलो, दिस इज लैम्डा टाइम्स क्यू आर वेक्टर, ठीक है। ये दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 1 के बराबर है ना। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि पी क्यू एंड क्यू आर मस्ट हैव बीन, पी क्यू एंड क्यू आर वेक्टर मस्ट बी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल रहे होंगे, ठीक है। मैंने समझ लिया पी क्यू और क्यू आर पैरेलल रहे होंगे, यहां से समझ में आया आपको, क्योंकि कल मैं आपको सिखा चुका हूं कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होता है, स्केलर टाइम्स होता है, मतलब दोनों पैरेलल, समझ में आ गया। पैरेलल है अगर तो ड्रॉ करके देखते हैं, पी क्यू मतलब पी से चालू होगा और क्यू पे खत्म होगा, बहुत बढ़िया, तो पी से चालू होगा और क्यू पर खत्म होगा, ये बना दिया मैंने पी क्यू वेक्टर, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओहो, ये पी क्यू बन गया आपके सामने, लेकिन क्यू आर क्या होगा, क्यू आर वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जो कि क्यू से चालू होगा और आर पे खत्म होगा, क्यू से चालू होगा और आर पे खत्म होगा, मतलब दे आर पैरेलल नो डाउट, बट दे आर ऑल्सो हेड टू टेल अरेंज, सबके साथ तीनों की, दोनों की दोनों वेक्टर क्या है, एक का हेड जो है वो दूसरे का टेल है, तो पैरेलल भी है और हेड टू टेल अरेंज भी है, तो इसका मतलब दे मस्ट बी कोलिनियर, दीज थ्री पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर, क्योंकि भाई इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड हेड टू टेल अरेंज्ड दैट मींस दे आर डेफिनेटली शेयरिंग कोलिनियर पॉइंट्स। तो लिखिए वेक्टर पी क्यू एंड क्यू आर पैरेलल, पैरेलल को अपन वेक्टर की भाषा में कोलिनियर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड हेड टू टेल अरेंज्ड, देयरफॉर पॉइंट्स जो रहेंगे पी क्यू आर, पॉइंट्स पी क्यू आर मस्ट बी लाइंग ऑन द सेम लाइन, समझ में आ रहा है, देयरफॉर दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, या लिख दीजिए स्लैश करके कोलिनियर, अभी लिख डाल। अगला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, और अपन लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ भाई लिखते हैं, अगला लिखे आप सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ के अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे कंसेप्ट समझ लिए, डेप्थ में सब कुछ समझ लिया, अब अपन पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन।
देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर अपने सामने दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और एक और वेक्टर जो है वो उसके टेल से टेल अरेंज्ड है ना। सो ट्रायंगल में क्या होता था, हेड टू टेल अरेंज्ड होना चाहिए था, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आप हेड टू टेल अरेंज मत करो, आप इस वेक्टर को उठा के टेल टू टेल ऐसे जोड़ दो। अगर आप ऐसे टेल टू टेल जोड़ पाते हो है ना, तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ पैरेललोग्राम विथ दीज टू साइड्स एज एडजेसेंट साइड। इन दोनों को एडजेसेंट मानकर आप एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकते हो इजीली। कैसे? पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये वेक्टर ए का जो लेंथ है वही लेंथ का पैरेलल साइड में यहाँ पे एक बना सकता हूँ इमेजिनरी। ठीक है, तो आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दैट, गिव मी सम टाइम। या ये मैंने बना दिया। ठीक है, और ये बना दिया मैंने एक और पैरेलल साइड। तो पैरेललोग्राम लॉ ने क्या कहा कि दो वेक्टर्स अगर टेल टू टेल अरेंज्ड है, देन यू कैन ऑलवेज 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 ड्रॉ पैरेललोग्राम विद दीज टू साइड्स एज एडजेसेंट साइड। बाकी दोनों साइड भी एडजेसेंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि जो डायगनल आएगा पैरेललोग्राम का है ना, डायगनल्स बिटवीन दीज टू एडजेसेंट साइड, इन दोनों के बीच में जो डायगनल आएगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी, उल्टा बोल दिया मैंने बट समझ जाना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन के बराबर होगा। तो ये जो डायगनल नंबर वन है वो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन के बराबर। इसको मैं इजीली ट्रायंगल लॉ से भी प्रूफ कर सकता था। कैसे? देखिए ये वाला जो आपके सामने वेक्टर है, ये वाला, ये क्या है, वेक्टर बी है ना, तो ये वाला भी वेक्टर बी ही होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर है अगर सेम लेंथ के, तो दे इक्वल। या ऐसा सोच लो कि इसको उठा के अगर मैं कल को यहाँ पे रख देता हूँ तो कोई थोड़ी ना कुछ उखाड़ लेगा अपने, कोई मना नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकते हो आप, ऐसा अलाउड है, फ्री वेक्टर्स में ऐसा करना अलाउड है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मतलब ये वाला वेक्टर जो डॉटेड में बना था पहले, डॉटेड में जो वेक्टर बना था पहले वो वेक्टर भी बी वेक्टर के बराबर है ना, वो वेक्टर भी बी वेक्टर के बराबर है। तो हमें एक चीज समझ में आई है कि ये वाला जो डॉटेड वेक्टर है इसको भी आप बी बोल सकते हो। तो यहाँ पे फिर से ट्रायंगल लॉ लग जाएगा, देखो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, दिस विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से ऐसे सोच लो, या पैरेललोग्राम लॉ से सोचना है तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दोनों के बीच का जो डायगनल होगा वो ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, क्या डिफरेंस है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में, सोचने का तरीका अलग है, एंड रिजल्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस सोचने का तरीका डिफरेंट है। एक में अपन ट्रायंगल बना के सोचते हैं ऐसे, और एक में अपन पैरेललोग्राम बनाकर सोचते हैं जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो एक डायगनल क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें एक और डायगनल होता है, ये वाला डायगनल, ये जो ग्रीन वाला डायगनल है इसको अपन दूसरा डायगनल बोलेंगे। ये वाला डायगनल ना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर होता है, लिख के रख लो, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। एक डायगनल तो ए प्लस बी है तो अपने को 11वीं कक्षा से पता है, बिकॉज फिजिक्स में आपको ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है, काइनेमेटिक्स से भी पहले, जब आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो, एलजेब्रा पढ़ते हो, वेक्टर एलजेब्रा, तब आपको ये पढ़ाया जाता है कि वन डायगनल इज डेफिनेटली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड दी अदर डायगनल इज ऑल्सो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन। वो कैसे आता है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। मान लो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ना, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है इसका कुछ नाम बोल दो आप, 2 मिनट के लिए, कुछ भी कोई भी एक नाम बोल दो। ए बी बोल दिया मैंने इसको, तो इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो ये ग्रीन वाला वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। यहाँ पे फिर से ट्रायंगल लॉ लगा देता हूँ, चलो इसका नाम बोलते हैं अपन ए बी सी डी। तो एक तो अपन ने बोल दिया कि फर्स्ट रिजल्ट जो आपके पास आया है वो ये आया है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए बी ये वाला वेक्टर प्लस वेक्टर ए डी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए सी है ना। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस, अरे वो तो एक ही बात हो गई ना, इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। और दूसरा रिजल्ट ये आ रहा है अपने सामने कि ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है वो क्या आ रहा है, ए माइनस बी के बराबर आ रहा है। तो ग्रीन वाला वेक्टर कैसे प्रूव करूंगा मैं, देखिए आप इन ट्रायंगल ए डी बी,
ओहो, बहुत तेज आवाज आएगी तो। देखिए भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको कि ये वाला ट्रायंगल जो है एडीबी ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस एडीबी ट्रायंगल में अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाना चाहोगे तो एडी यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहा है आपका, क्या बन रहा है यहां से यहां तक वेक्टर फर्स्ट, सेकंड वेक्टर यहीं से स्टार्ट करना है आपको इसी पॉइंट से, तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर सेकंड। इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? ट्रायंगल लॉ के हिसाब से टेल टू हेड के बराबर होना चाहिए, सही बात है। तो ये वाला वेक्टर क्या था? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी प्लस ये वाला वेक्टर क्या था? ये वाला वेक्टर था वेक्टर सी, मैंने अभी अभी बोला था इसको, ये वेक्टर सी है। दिस मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए। तो यहां से आपको पता चलता है कि वेक्टर सी का वैल्यू आ जाता है ए माइनस बी के बराबर, जो कि मैंने लिखा था। वेक्टर सी है क्या? वेक्टर डी बी, डी से चालू होने वाला और बी पे खत्म होने वाला। तो वेक्टर डी बी इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लिख डाले यहां तक। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक डायगनल होता है ए प्लस बी और दूसरा डायगनल होता है ए माइनस बी। अरे वाह, ये याद रख लेंगे अपन, बिल्कुल याद रखेंगे। एक डायगनल ए प्लस बी होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है फर्स्ट डायगनल, और सेकंड डायगनल इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो विल डू अ क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लिखो मेरे साथ। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स आर, अच्छा हमको डिटेल में नहीं बोला कि वेक्टर ए क्या है। कई बार क्या होता है, आपने को बताता है जैसे कि वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे बताता है कई बार, लेकिन अभी अपने को बोल रहा है कि आपको कोई मतलब नहीं वेक्टर है एक्चुअली में है क्या, इसके आईजे के कंपोनेंट क्या, उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस एक है वेक्टर है, होगा कुछ वो अंदर ही अंदर आईजे कैप में, बी भी कुछ होगा आईजे कैप में, बट उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। आपको ऐसे बता रहा है आर एनी टू वेक्टर्स देन गिव द ज्योमेट्रिकल गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन ए प्लस बी का मॉड। मॉड मतलब क्या होता है? लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। और ये वेक्टर क्या है? ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको पूछा गया है। तो सोचते हैं अपन, कोई भी दो वेक्टर का ए प्लस बी एडिशन लिखा है और कोई भी दो वेक्टर का ए माइनस बी मतलब सब्ट्रैक्शन लिखा है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये बना दिया मैंने वेक्टर ए और ये बना दिया मैंने कोई वेक्टर बी, रैंडमली बना दिया। और अगर मुझे इनको ऐड करना है तो मैं ट्रायंगल लॉ से भी कर सकता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकता हूँ। यहां पर मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहूंगा, तो देखिए क्यों यूज करना चाहूंगा, बिकॉज आई नो ए प्लस बी क्या होता है डायगनल और ए माइनस बी क्या होता है डायगनल। देखो एक बार में आंसर अगर आपको देना हो तो क्या लिखा है, ये डायगनल नंबर 1 का लेंथ और ये डायगनल नंबर 2 का लेंथ, दोनों डायगनल का लेंथ बराबर है, तो कौन से पैरेललोग्राम में ऐसा होता है? टाइप करके बता जल्दी से, कौन से पैरेललोग्राम में डायगनल का लेंथ बराबर होता है, वही इसका आंसर है। तो ये बन गया आपका पहला पैरेललोग्राम, मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा। बताइए जल्दी से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके सामने ये रहा डायगनल नंबर 1, ठीक है, ये होता है अपना डायगनल नंबर 1 ऑफ पैरेललोग्राम ए प्लस बी। ओके, दिस इज डायगनल नंबर वी 1, और डायगनल नंबर 2 क्या हो जाएगा? डायगनल नंबर 2 हो जाएगा ये वाला, अभी अभी आपको सिखाया मैंने क्यों, ठीक है, उसका प्रूफ लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपके सामने डायगनल नंबर 2। आपको कह रहा है कि डायगनल नंबर 1 का मॉड मतलब उसकी लेंथ, डायगनल नंबर 2 का मॉड उसकी लेंथ, दोनों बराबर है। तो
आप सबसे पहले अगर आपको एनसीईआरटी स्टाइल में लिखना है तो आप लिखिए, ऐसा लिखना है ना एनसीईआरटी में लिखते जैसे अपन, ए प्लस बी रिप्रेजेंट्स द डायगोनल ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसा लिखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बोथ। टाइप करके नहीं बता रहे हो आप लोग, किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो क्या हो गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी रिप्रेजेंट्स डायगोनल वेक्टर्स ऑफ द पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर एंड ए प्लस बी का मॉडुलस अगर बराबर है ए माइनस बी के मॉडुलस से, देन इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, एंड इफ लेंथ ऑफ द डायगनल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। लिखिए, एंड इफ डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज रेक्टेंगल, तो यही उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। आपको कभी भी ऐसा बोले कि मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब ए और बी डेफिनेटली रेक्टेंगल्स के साइड से, इट इंप्लाइज रोम्बस नहीं होता है, रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होते, इट इंप्लाइज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपसे एक और मैं रिजल्ट पूछ सकता हूं क्या, कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बता सकते हो? यस, बिकॉज दे आर रेक्टेंगल तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एडिशनली अगर आपको स्टाइल मारने के लिए लिखना है तो लिख लो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मस्ट बी परपेंडिकुलर, ऐसी स्टाइल मारने के लिए। पूछा नहीं आपसे लेकिन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए क्या है, रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, रोम्बस की साइड्स बराबर होती है बस, डायगोनल अभी भी अनइक्वल होंगे इसकी। चलिए नोट, पहला लिखे वेक्टर एडिशन जो होता है वो आगे पीछे होके एडिशन चलता है इसमें, ठीक है, मतलब एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब ये हो गया, मेरे को इसका इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रहा है, व्हाट डू वी कॉल इट, हाँ एसोसिएटिवनेस ही कहते हैं इसको अपन, है ना, कि आप ए प्लस बी वेक्टर का सम लिखो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का सम लिखो, दोनों एक ही बात है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आप क्या कर सकते हो, पहले बी प्लस सी को ऐड करके फिर ए में जोड़ दो, या पहले ए प्लस बी को ऐड करके फिर सी में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर एडिशन में सब कुछ आगे पीछे चलता है। थर्ड क्या होता है कि अगर आपने कोई भी वेक्टर से कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करा, है ना, वेक्टर ए से आपने के नाम का स्केलर या कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करा, तो आप इसको वेक्टर के पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो या वेक्टर के बाद भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था ना, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए, ये दोनों बराबर नहीं होते थे, बट यहां पर ऐसा है कि अगर आपके सामने स्केलर दे रखा है तो स्केलर को आप आगे पीछे कहीं भी मल्टीप्लाई करो, और अगर ऐसा दिया हुआ है कि के टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो आप डेफिनेटली के को अंदर घुसा सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, के टाइम्स ए प्लस के टाइम्स बी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा,
ये तो सब बकवास बातें थी, बकवास नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, बट काम का जो टॉपिक है वो अपना है पोजीशन वेक्टर्स। यहाँ से अपने पास जो है थ्योरी ढंग से स्टार्ट होगी। अभी तक अपन ने मोर लेस कुछ ना कुछ चीजें पहले से पढ़ रखी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन ने पहली बार पढ़ा है। अच्छा, पोजिशन वेक्टर भी ऐसा आइटम है जो अपन शायद पहली बार नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी वी विल हैव अ लुक एट इट। देखिए क्या होता है, मान लो आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है ना। अब इस एक्स वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है अपने सामने, जो कि मान लो ये वाला डिस्टेंस 3 है और ये वाला डिस्टेंस 4 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3, 4। लेकिन अगर आपको इसको पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी पॉइंट अपने सामने लिखा है पी, और उसका कोऑर्डिनेट अगर 3, 4 है, कोऑर्डिनेट अगर उसका 3, 4 है, तो आप क्या बोलोगे? उसका पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप, मतलब एक्स एक्सिस में 3, प्लस 4j कैप। ठीक है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या आता है ये। अच्छा, कैसे डिफाइन करते हैं अपन? अगर मैंने उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करा तो मेरे को क्या मिलेगा? ये वेक्टर मिलेगा। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके आप आराम से वेक्टर बना सकते हो। ठीक है, एक पे टेल एक पे हेड बना सकते हो। अच्छा, उस वेक्टर का नाम हो जाएगा ओपी वेक्टर, और वेक्टर एक्चुअल में हो कितना जाएगा? 3 में i कैप, 4 में j कैप। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप हमेशा आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में दे सकते हो। ठीक है, मान लो कल को मैं एक और पॉइंट यहां पे लिखता हूं, एक और पॉइंट लिखता हूं, ये वाला पॉइंट Q, और इसका कोऑर्डिनेट जो है दैट इज -4, +4, है ना। मान लो ऐसा है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -4 में i कैप, ++4 में j कैप, है ना। तो ये देख के आपको क्या फीलिंग होनी चाहिए? कि ये देखकर आपको अगर बोला जाए कि ये पोजीशन वेक्टर है, इफ दिस आर पीवीज, पीवीज बोलते हैं पोजीशन वेक्टर को, पीवी अगर ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब आप क्या बोलोगे? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? +4। एक्स कोऑर्डिनेट -4, वाई कोऑर्डिनेट +4। ठीक है, और इसमें फील कैसे लाएंगे अपन? इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो जो वेक्टर क्रिएट होगा वो वेक्टर कहलाएगा ये -4i कैप, +-4j कैप। ठीक है, मतलब इस वेक्टर का एक्स में अगर आप प्रोजेक्शन लोगे, एक्स में प्रोजेक्शन लोगे या एक्स का कॉम्पोनेंट लोगे, तो वो आएगा -4, या समझ गए ना। और वाई में अगर प्रोजेक्शन लोगे ये वाला, तो वो आ जाएगा आपके सामने +4। हाँ भाई, लिख डालो यहां तक। तो पोजीशन वेक्टर को आप है ना कोऑर्डिनेट्स की तरह ट्रीट करो। अब ये तो 2D में हो गया, ये 2D में हो गया, कल को अपने पास 3D भी आने वाला है, तो मैं आपको अभी से 3D में सब कुछ समझाना स्टार्ट करूंगा। तो पहले अपन थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी लिखेंगे यहाँ पे, टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। पोजिशन वेक्टर्स कंसेप्ट इज यूजफुल। पोजिशन वेक्टर्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर आ रहा है अपने को आवाज का, बट मेरे ख्याल से उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। पोजिशन वेक्टर्स कंसेप्ट इज यूजफुल। ठीक है, सो लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन, then the position vector, then the position vector of a point, point P is the vector OP. ठीक है,
मतलब अपन ने क्या करा, कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना, तो उस पॉइंट का आप ओरिजिन से ज्वाइन करो, जो भी वेक्टर तैयार होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया कि लिखे हेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ, हेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज वेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू पी गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, समझते इसको अपन। पहले अपन ने अंग्रेजी लिख ली है, अपन अब समझते। मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है अपने पास क्यू, उसका पोजीशन वेक्टर आपको कल को ऐसा दिया जाता है। पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट होता है, आप चाहे तो हिंदी में लिख लो बगल में, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट। तो क्यू के कोऑर्डिनेट आपको तीनों एक्स वाई जेड फॉर्म में दे रखे, 1, 2, 3। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 का आई कैप, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 का जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 3 का के कैप, ये आ जाएगा। और अगर आपको इसको समझाना है कि ये क्या है, ये है कि आपने इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया तो एक वेक्टर बना होगा, वो वेक्टर लिखा होगा, और वो वेक्टर हमेशा 1 यहां पर है तो 1 का आई कैप, 2 यहां पर है तो 2 का जे कैप, और 3 जेड में है तो 3 का के कैप, ऐसा ही बनेगा, हमेशा ऐसा बनेगा। तो पोजीशन वेक्टर से समझ में क्या आया अपने को कि पोजीशन वेक्टर आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको उसको वेक्टर में एक्सप्लेन करना है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है तो एक वेक्टर आया है, उस वेक्टर का वो वाला वेक्टर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप, 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, मान लो हमारे पास अगर दो पॉइंट्स है, लिखिए इफ वी हैव टू पॉइंट्स जस्ट अ सेकेंड। तो कुछ खास नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा देख के, तो मैं क्या करता हूँ, अपने खुद से बना लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये बात अपन 3D में और समझेंगे, बहुत ज्यादा समझेंगे कि 3 एक्सिस हमारे पास हमेशा आएगी, बट अभी फिलहाल अपन काम चला लेंगे इससे। ठीक है, तो हमारे पास 3 एक्सेस है, तीनों के नाम क्या है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। मान लो आपके पास एक पॉइंट है स्पेस में, ये कहीं बीचों बीच है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप मानना चाहोगे ए कैप, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट क्या है ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए कैप, ए ए वेक्टर। ठीक है, और अगर इसको ढंग से लिखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो a1, a2, a3 मान लेते हैं, और एक पॉइंट है अपने पास बी, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब b1, b2, b3, समझ में आ रहा है। अच्छा तो आप बताइए मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा, आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, ए को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, जो भी वेक्टर आ रहा है वो इसका पी भी हो गया, समझ में आ रहा है। बी का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, बी को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, जो भी इसका वेक्टर आ रहा है वो बी का पी भी हो गया। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी ए आई कैप, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, मतलब कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को अपन पहले ऐसे लिखते थे, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे अगर आप, तो कैसे लिखोगे, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक है, ऐसे लिख दोगे, और सेम विद बी, बी का भी आप ऐसे लिख दोगे। अगर
आपको बोला जाए कि पॉइंट ए देखते रहो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करो, और उनको ज्वाइन करके आप ए बी वेक्टर बनाओ। तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, पहले तो आप ऐसे लिखेंगे ए बी वेक्टर, कहां से चालू हो रहा है, जो पहले लिखा है वहां से, पहले क्या लिखा है ए या बी, ए, तो ए से चालू होगा और बी पे खत्म होगा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी द वेक्टर दैट वी हैव टू फॉर्म। अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है, ए बी वेक्टर लिखना है, तो उसका काफी आसान तरीका होता है, आप क्या करें, पोजिशन वेक्टर ऑफ आगे वाला पॉइंट, बाद वाला पॉइंट क्या है बी, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पहले वाला पॉइंट क्या है ए, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए करो, या पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए करो। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, बी वन, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बी वन को आप रीड कर पा रहे हो ना, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, अपने को पता है कि अपन आई कैप वाले से आई कैप ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई कैप वाले से उल्टा नहीं कर देंगे कि आई कैप को जे कैप से कर दिया, जे कैप को के कैप, ना ना ना, आई कैप वाले को आई कैप से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हाट विल वी हैव, विल बी हैविंग बी वन माइनस ए वन, ये दोनों आई कैप वाले एक साथ आ जाएंगे, दूसरा आ जाएगा बी टू माइनस ए टू जे कैप, और तीसरा आ जाएगा सॉरी बी टू माइनस बी वन, हाँ ठीक सही तो लिखा था मैंने, बी टू माइनस ए टू, और तीसरा आ जाएगा बी थ्री माइनस ए थ्री के कैप, ये आ जाएगा आपके सामने ए बी वेक्टर। तो अपन ने एक जनरलाइज फॉर्म कर लिया, क्या कि एक रैपिड फायर खेलते हैं अपन, कि इफ द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर एज फॉलोज, राइट, वेक्टर ए बी, तो सबसे पहला पार्ट इसका ये है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपको दिया 1, 2, 3 और बी के पोजीशन वेक्टर आपको दिए 2, 3, 4। मैंने तो कोऑर्डिनेट दे डाले आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, आपको मैं ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी दे सकता था, या मैं आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी दे सकता था, एक तो ये तरीका हो गया देने का, या तो मैं ऐसे दे सकता था ए के कोऑर्डिनेट जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बी के कोऑर्डिनेट मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि थ्री आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप, है ना, दोनों तरीके से दे सकता था। तो आपको एक चीज समझनी बच्चों कि ये अगर कोऑर्डिनेट ऐसे दिए हैं तो भी वो पीवी है, तो भी वो पोजीशन वेक्टर है, आप उसको एनी डे आई कैप जे कैप फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट, जोर जोर से बोलो, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट, 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 ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये वेक्टर है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया कि इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना हो इक्विवेलेंट फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखना, तो आई कैप कितना है 2, तो 2, 3, जे कैप में 3 और के कैप में क्या माइनस 2 है, और यहाँ पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो 3, 5, 1। तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको क्लियरली बोला हुआ है तो आप समझ जाना कि ये उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, है ना, और उसका ज्यादा फील लेना है तो क्या होता है कि इस पॉइंट ए को ओरिजिन से जब जोड़ा गया होगा तब ये वेक्टर आया होगा, वो वाला वेक्टर दिया हुआ है, और वो वाला वेक्टर जो होता है वो कोऑर्डिनेट ही देता है। तो ये वाला जो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से ज्वाइन करता है, जैसे ये ओ ए, वो वाला वेक्टर जो ओरिजिन से ज्वाइन करता है, इट ऑलवेज गिव्स द कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए तो यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर लिखना चाहूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, ए बी वेक्टर लिखेंगे 2 - 1, 1i कैप 3 - 2, 1j कैप और 4 - 3, 1k कैप, ये आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज नथिंग बट ए से चालू होने वाला और बी से खत्म होने वाला वेक्टर, है ना, ये ए बी वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये ए बी वेक्टर है। तो आपको बस क्या बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में फर्क क्या है, पोजीशन वेक्टर इज कोऑर्डिनेट और वेक्टर इज वेक्टर, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, ओरिजिन से ज्वाइन करा आपने, ए को ज्वाइन करा तो जो वेक्टर आया वही वेक्टर है, बट पोजीशन वेक्टर का काम है कोऑर्डिनेट बताना। यहां पे निकालते देखते 3i कैप माइनस 2j कैप कितना आ जाएगा 1i कैप और 5j कैप माइनस 3k कैप, ये k कैप आ जाएगा, ठीक है, 5j माइनस 3j 2j आ जाएगा और 1 माइनस -2 ये आ जाएगा 3k कैप। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया ए बी वेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से, यहां से निकालते तो भी सेम आता, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंडा अपन ने जो पढ़ा वो क्या होता है, बाद वाले का पीवी माइनस पहले वाले का पीवी,
ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। बाद वाले का पीवी माइनस पहले वाले का पीवी, लिख डालो यहां तक। लिखिए डायरेक्शन, नोट है ना, ये नोट है, सिंपल से नोट है, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। यार ये लोग तो बहुत शोर कर रहे हैं यार, आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को अच्छी खासी। डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर कैन बी रिटन, एनी वेक्टर ए बी, कोई भी वेक्टर है अपने पास अगर ए बी वेक्टर करके है तो उसका डायरेक्शन आप कैसे लिख सकते हो, कल ही सिखाया था मैंने। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, उसका कैप, मतलब उसका यूनिट वेक्टर। मान लीजिए आपके सामने ए बी वेक्टर अगर गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो अगर आपको इस वेक्टर का डायरेक्शन पूछ लिया किसी ने, तो आप ऐसा थोड़ी बताओ कि नहीं ये वेक्टर जो है ना वो यहाँ जा रहा है, ये क्या डायरेक्शन हुआ, यहाँ जा रहा है मतलब कोई डायरेक्शन थोड़ी हो। आप बोल के बताओगे कि इस वेक्टर का जो भी यूनिट वेक्टर आएगा दैट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए बी कैप, तो ए बी कैप विल बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड तो अपन आराम से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, लिखिए ए बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 मीटर पर सेकेंड, इट पॉइंट्स इन डायरेक्शन, पॉइंट्स इन डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देन द वेलोसिटी इज, देन द वेलोसिटी वेक्टर इज व्हाट। कभी भी आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना हो या कोई भी वेक्टर लिखना हो, कोई भी वेक्टर लिखना हो, तो आप क्या करोगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे और उसका डायरेक्शन लिखोगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर होता है ना, और डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर होता है। डायरेक्शन चीख चीख के कह रहा है उस पर डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा। अच्छा आपको बोल रखा है एक बॉडी की वेलोसिटी 10√3, लेकिन अगर मैं बोलूं बॉडी की वेलोसिटी 10√3 इसका मतलब क्या हो गया, 10√3 यहां भी हो सकती है, 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 भाई डायरेक्शन तो बताओ। 10√3 वेलोसिटी लेकर मैं चांद पे भी जा सकता हूं और मार्स पे भी जा सकता हूं, लेकिन मेरे को वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बताओ आप क्या है, है ना। तो मैग्नीट्यूड आपके पास है 10√3 और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको बोल रखा है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन पर पॉइंट कर रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एनी वेक्टर का डायरेक्शन आप कैसे लिख सकते हो, उसके कैप के बराबर। तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ये है और इसका डायरेक्शन कैसे लिखोगे, इसका डायरेक्शन लिखोगे आप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, इसका मैग्नीट्यूड रूट 3 होगा, तो ये आ जाएगा आपके सामने वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेना, मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आएगा, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, वो लिख लेना 10, फाइनल आएगा आपके पास जो वेक्टर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत ही बेहद आसान फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहले अपन देखेंगे 2D में, फिर हम लोग देखेंगे 3D में। तो सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब बस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट है ना, वो पॉइंट है ए, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये। अब वो कुछ भी हो सकता है यार, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट, कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। चलिए आपकी तसल्ली के लिए मैं वो पॉइंट भी लिख दूंगा, और एक पॉइंट है अपने पास बी, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये बी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपको दिया हुआ है x1, y1, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है x2, y2। अब आपको बोला गया है कि एक पॉइंट ऐसा है अपने पास आर या पी, ओके, एकदम वैसा ही जैसा अपन ने बचपन में पढ़ा था कि इफ यू हैव अ पॉइंट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ दिस वन। मान लो एक पॉइंट पी, वो आया और डिवाइड करके चला गया एमएस टू एन रेशियो में, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो लिखना है अगर आपको। तो देखिए क्या होता है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा, बहुत इजी है, मंकी इंटू दूर वाला पोजीशन वेक्टर प्लस नलायक इंटू दूर वाला पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय दोनों रेशो का सम। अरे ये तो सर पढ़ा हुआ है अपन स्टेटमेंट, बिल्कुल वही है, बस आपको बार बार एक्स और वाई के लिए नहीं करना है। जैसे आप उसमें क्या करते थे, एक्स के लिए अलग से करते थे mx1 + nx2, ऐसे करते हैं mx2 + nx1 करते थे ना, हाँ। अब आपको इसमें वो चीज करने की जरूरत नहीं, आप मंकी को पूरा बी से, बी क्या है ये, अच्छा इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या आएगा, x2i + y2j, है ना, समझ में आ रहा है? तो उसको पूरा मल्टीप्लाई करें m से और इसको n से और डिवाइडेड बाय m + n, ये आ जाएगा आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। इसको फोटो बनाएंगे अगर अपन तो बहुत आसान आसान फोटो बनेगा। इधर देखिए, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है ए, मतलब, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बी, मतलब ये हो गया कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हो गया कि आपने इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा, तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ना वो आपको गिवन है, और वो इतना अच्छा होता है कि वो कोऑर्डिनेट जैसे ही आ जाता है हमेशा। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये है, वो इतना अच्छा होता है पोजीशन वेक्टर कि वो कोऑर्डिनेट जैसा ही आ जाता है। अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1, 3 है तो पोजीशन वेक्टर इतना खूबसूरत आएगा ना, 1i cap और 3j cap, हर बार ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप ए बी को अगर ज्वाइन करते हो तो आपके सामने क्या आ जाता है, ए बी लाइन। ए बी लाइन को अगर कोई पॉइंट पी डिवाइड करता है, पी वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर, तो आपको क्या निकालना है, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से अगर पी को ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर आएगा है ना वो निकालना, और वेक्टर इतना अच्छा होता है कि वो कोऑर्डिनेट जैसा ही आ जाता है। ओरिजिन से चालू होने वाला हर वेक्टर कोऑर्डिनेट जैसा ही आता है, इसलिए अपन उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं या पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पॉइंट पी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब इसमें अपन आराम से मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, तो नोट लिखें, अगर आपको इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है तो आप क्या बोल दोगे, पॉइंट पी विल बी इक्वल टू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस सेकंड पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, लिख डालो उसको।
है। सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बताइए मुझे सबसे पहले सेंट्रोइड, इसको क्या बोलते हैं अपन? जी। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं अपन? एच। फिर सरकम सेंट्रो, सरकम सेंटर को ओ बोलते हैं, इसलिए सरकम सेंट्रो ही बोल देता हूँ। और फिर पढ़ते हैं अपन क्या होता है लास्ट में? इन सेंटर, सबसे इजी। इन सेंटर को अपन आई बोलते हैं। क्या होता है भाई सेंट्रोइड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एच। एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉरी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जब सर्कम सेंटर बनता है तो मतलब बाहर बनता है, और इन सेंटर बनता है तो अंदर वाले सर्कल का सेंटर बनता है, और वो दोनों सेंटर्स को निकालने का तरीका हमेशा बाइसेक्टर से आता है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आता है और एक एंगल बाइसेक्टर से आता है। तो याद रख सकते हो आप आराम से ना, जो भी सर्कम वाले होते हैं, इन सेंटर या सर्कम सेंटर, दोनों परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर से आते हैं, एक परपेंडिकुलर से एक एंगल से। तो बाइसेक्टर याद रख लेना, दोनों में बाइसेक्टर कॉमन है। ठीक है, अच्छा मान लो आपके सामने कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के पीवी दे रखे। पीवी मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर दे रखे, तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री। अरे पढ़ा था ना अपने एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री, सेम यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका सेंट्रोइड का। अब यहाँ पे सब आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। ए के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों होता है ना, तो एक्स वाई जेड तीनों दे देगा, आप टेंशन मत लो। वेक्टर में काफी आसान हो जाता सब कुछ। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए अपने को कोई ठोस तरीका नहीं है अपने पास, हम डायरेक्टली इन सेंटर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्मूला वी कैन फाइंड इन सेंटर। तो इन सेंटर निकालने का आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो तरीका बताया गया था, व्हाट वाज दैट? क्या तरीका था याद करो। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स ए बी सी है, और वर्टेक्स में आपको ये पता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो तीनों वर्टेक्स के अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता थे, अगर मान लीजिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, ये पता हो आपको, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? ए इंटू सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस बी इंटू सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट बी एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री प्लस ए बी सी। ठीक है, और सेम विद वाई, ए वाई वन, ये रफ में बता रहा हूं इसको, आप है ना चाहे तो रफ में लिख लो साइड में बना के, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अभी ये तो आ गया आपके सामने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, यहां पे कैसे लिखेंगे? यहां पे भी बड़ा आसान है, ए इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टेक्स मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वर्टेक्स प्लस बी, बी मतलब साइड बी का लेंथ, इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वर्टेक्स प्लस सी इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वर्टेक्स डिवाइडेड बाय तीनों साइड के लेंथ का सम। तो वेक्टर्स की लेंथ तो अपन निकाल ही सकते हैं, तो ये निकालते हैं अपन पोजीशन वेक्टर से इन सेंटर को। बाकी सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स लिखे आप, सेम ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूं मैं। यहां तक आप लिखो पहले, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी
इफ पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए इज दिस, बी का पोजिशन वेक्टर ये है और सी का पोजिशन वेक्टर ये है, देन एंड पी का पोजिशन वेक्टर ये इज एन इंटरनल पॉइंट, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ना, समझने मतलब जानो कि सर क्या लिख रहे हो, कैसे क्वेश्चन है भाई, है ना, एंड पी इज एन इंटरनल पॉइंट, पी इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, देन P is option A G, option B H, option C O और option D I. ठीक है, H G O I सबको पता है क्या होता है, तो आपको क्या बोला है, इंटरनल पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल सच दैट, यहां पे एक लाइन लिखना भूल गया, लिखो सच दैट P A का वेक्टर और P B वेक्टर, मतलब P और B को ज्वाइन करके जो वेक्टर बना है और PC वेक्टर को ज्वाइन करके जो वेक्टर बना है वो जीरो आ रहा है, तो मान लीजिए अपने पास ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में A के कोऑर्डिनेट क्या है, A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है भाई, है ना, कोऑर्डिनेट आप नए तरीके से, भाई ये नया चैप्टर है तो इसमें कोऑर्डिनेट नए तरीके से बताया जा रहे हैं, वेक्टर के तरीके से बताया जा रहे हैं, है ना, तरीका वही है बट थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, मतलब एक पॉइंट है पी अंदर सच दैट पी ए का वेक्टर जो बन रहा है ना, पॉइंट पी जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, उसकी पोजिशन वेक्टर ये है, और अगर पी ए वेक्टर में बनाऊं तो वो इस तरीके से बन रहा है, ये पी बी वेक्टर और ये PC वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो जीरो आ रहा है, तो ऐसा P कौन सा पॉइंट है, है ना, कि सम जीरो आ रहा है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप सबसे पहले PA वेक्टर लिखो, आपको क्या गिवन है, गिवन है कि आप PA वेक्टर लिखो, PB वेक्टर लिखो और PC वेक्टर लिखो, और वो जीरो है, तो PA वेक्टर क्या हो जाएगा, PA वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, मतलब A का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर P, है ना, ये आ गया आपका PA वेक्टर, PB वेक्टर मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, मतलब B का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, और C का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा आपके पास A पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, थ्री को नीचे गिरा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसा कुछ, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स का सम डिवाइडेड बाय थ्री, मतलब ये साफ साफ आपको बता रहा है कि दिस इज सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड मैंने अभी भी लिखवाया भी था आपको, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, लिखा आपने यहां पर, अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, इफ पोजीशन वेक्टर इज पी बी, इफ पी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर,
and g is position vector of centroid and circumcenter is origin. Circumcenter is origin and P is equal to 3 times. अच्छा रुको एक मिनट, यहां पे स्मॉल जी लिख देना ना, स्मॉल जी के ऊपर वेक्टर सिंबल बनाना, यहां पे स्मॉल पी के ऊपर वेक्टर सिंबल बनाना, और आपको गिवन है कि P is equal to 3 times G, then K equals what? ठीक है पहले लिख लो, एक बार में समझ थोड़ी आ जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही आपको. लिखते जाइए. तो देखिए पॉइंट पी का, पी इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, पी, पी वेक्टर. अभी पी वेक्टर होगा कुछ यार, होगा ये वन, ऐसा हो सकता है कि वन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, हमको क्या मतलब, मतलब वन कॉमा थ्री कॉमा टू इसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो अपने को कोऑर्डिनेट जनरलाइज करके दे रखे. एंड जी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे. एंड सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है, ओ है ना, ओ होता है सर्कम सेंटर, वो है ओरिजिन, तो बहुत ही बढ़िया आपने को ये ओरिजिन दे रखा है. अब आपको बोल रहा है कि देन जी देन के इज इक्वल टू व्हाट, कोई बात नहीं, देखिए आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि एच जी ओ, एच जी ओ हमेशा 2:1 के रेशियो में होते है ना. सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, एच जी ओ का रेशियो 2:1 होता है. सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब जी मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू पी, 1 इंटू वेक्टर पी प्लस 2 इंटू, ये तो 0 आई कैप प्लस 0 जी कैप, मतलब ये नल वेक्टर, नल वेक्टर है ना, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3. तो आपके सामने ये आ जाएगा कि g इज इक्वल टू p वेक्टर अपॉन 3, मतलब यहां से आ जाएगा p वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स g वेक्टर, ठीक है, p वेक्टर आ गया 3 टाइम्स g वेक्टर. आपको बोला था कि p वेक्टर है k टाइम्स वेक्टर g, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगा. आसान है, कोई भी मुश्किल पार्ट नहीं है, यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं आप, लिखो लिखो.
हाँ भाई करके बताइए। ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा हो रहा है अचानक से, आई कैन नॉट हेल्प इट। तो हम लोग थोड़ा सा फाइंड द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट, ये वाला क्या है आपके पास पॉइंट ए, इसको ए बोल दो और इसको पॉइंट बी बोल दो, इंटरनल इन द रेशियो 2:3। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, पॉइंट ए अपने पास है, पॉइंट बी अपने पास है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या है 2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स बी वेक्टर। ये जो भी निकल के आएगा कुछ ना कुछ आई कैप आएगा, कुछ ना कुछ जे कैप आएगा और कुछ ना कुछ के कैप आएगा। समझ में आ रहा है आपको? जो आई कैप आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो जे कैप आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट, और जो z कैप आएगा मतलब k कैप आएगा वो x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? तो भाई आपको पोजीशन वेक्टर का बस ये मतलब समझना है कि कुछ ना कुछ तो आएगा और जो भी आएगा वो कोऑर्डिनेट है। तो ये आ गया आपके पास a वेक्टर, सॉरी a का पोजीशन वेक्टर, और ये आ गया b का पोजीशन वेक्टर, गिवन है पहले से अपने को। अब आपको बोला है कि अगर मैं a और b को ज्वाइन कर देता हूं तो एक पॉइंट p ऐसा है इस दुनिया में जो कि इसको 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर आप निकाल के बताइए। तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है, 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दूर वाला, तो 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ 3a माइनस 2b, नहीं आ रहा समझ में, प्लस 3 इंटू दूर वाला पोजीशन वेक्टर, तो 3 इंटू 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मतलब 5। ये आएगा आपका फाइनल आंसर, मतलब पॉइंट पी जो डिवाइड कर रहा है उसके पोजिशन वैक्टर क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे, देखते हैं अपन खोल के इसको। 2 3 6 6a माइनस 4b प्लस 6a माइनस 6b, सॉरी 9b आएगा ना, अपॉन 5। दिस इज इक्वल टू पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो 6a प्लस 6a 12a, आपको इंटरनली निकालना था ना, इंटरनली, हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 12a वेक्टर बाय 5 और माइनस 13b वेक्टर बाय 5। अगर आपको सेम क्वेश्चन देता है एक्सटर्नली, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन वेयर p डिवाइड्स ab externally in the ratio 2:3, ठीक है? तो externally अगर 2:3 के रेशियो में, बहुत सही है ना कीर्ति, सही आंसर है आपका। फटाफट करेंगे अपन अभी सॉल्व, अभी आपको मैं 20 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, 20 या 25 मिनट। तो externally मतलब क्या हो गया कि पॉइंट बी अब बाहर से डिवाइड कर रहा है। मैंने क्या बोला, externally में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाना होता है, दैट्स इट। या तो आप ऐसा सोच लो कि ये वाला रेशियो 2:3 का हो गया, और सेम सेम क्वेश्चन ऑफ इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन अपने को आता ही नहीं है, अपन क्या बोलते हैं एक्सटर्नल को इंटरनल बना दो, और जो बाद वाला रेशियो है 2:3 में पहले वाला 2 है और बाद वाला क्या है 3, तो बाद वाले में आप हमेशा माइनस लगा दो, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में। तो यही स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 इंटू पॉइंट पी का क्वेश्चन वेक्टर हो जाएगा 3 इंटू सेकेंड, क्या कर रहा था मैं, 2 इंटू 3a माइनस 2b, 2 इंटू 3a माइनस 2b ये लिखा था ना,
और क्या आ जाएगा, प्लस दूसरा रेशियो मैंने क्या बना दिया, -3। मतलब मैंने क्या करा, AB का जो पॉइंट था, पॉइंट AB का जो लाइन था, सॉरी, है ना, बीच में आ गया आपके सामने P, और ये था रेशियो आपके पास 2:3 इंटरनल का। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, पॉइंट P बाहर आ जाएगा और वो बाहर से डिवाइड करेगा, तो अपने को बाहर से आता ही नहीं। अपन क्या बोलते हैं ना, पॉइंट B को अंदर ही रहने दो, और जो रेशियो 2:3 का, उसको 2:-3 कर दो, ठीक है। तो -3 इंटू दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला कोऑर्डिनेट 2a-3b हो जाएगा ना। मैं बस वहां से ऊपर से छाप के लिख दे रहा हूँ, 2a-3b डिवाइडेड बाय 2 प्लस -3। ओके, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे आपके पास, 6a-4b-6a --+9b होल थिंग डिवाइडेड बाय -1, और यहाँ डिस्काउंट डिस्काउंट भी हो जाएगा, 9-4 5b आ जाएगा ना, तो 5b अपॉन -1, तो -5b आ जाएगा। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा -5 टाइम्स b। तो b का जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उसका 5 गुना, या b के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनमें आप -5 गुना कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट। क्या बोलती है जनता, समझ में आ रहा है पक्का? एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। इफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पीवीज। अब ये वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब कोऑर्डिनेट। पोजीशन वेक्टर सुन के आपके दिमाग में, खोपड़ी में घुस जाना चाहिए, दे आर कोऑर्डिनेट, आर पोजीशन वेक्टर्स, दे आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड सच दैट, प्रोड्यूस्ड सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स BA। ओके, क्वेश्चन को पहले लिख लो, समझने का टाइम अपने पास रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये वाले जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। लिखा आप लोगों ने, अच्छा। अब अपन क्वेश्चन समझते हैं। ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तो कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, ये, और कैपिटल बी इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, ये। अच्छा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी सच दैट प्रोड्यूस्ड ऑन बी सी, ओ हो, प्रोड्यूस सच दैट बी सी इज इक्वल टू, देखो बी सी जो आएगा वो 1.5 गुना आ रहा है किसका, बी ए का, तो इसका 1.5 टाइम्स आना चाहिए बी सी, तो डेफिनेटली सी इस तरफ रहेगा, है ना, उस तरफ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी को आप वो बहुत बड़ा एक्सटेंड कर दो, 1.5 टाइम्स आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि मान लो सी इधर है, थोड़ा आसानी से हो जाएगा अपने, सी यहां पर है और ये आपने सी को फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी ऑन बी ए प्रोड्यूस, अच्छा बी ए को प्रोड्यूस करा अपन ने, क्लियरली यहां बोला है ना, बी ए को प्रोड्यूस करा अपन ने, तो बी ए को ए से प्रोड्यूस करेंगे सी को, क्लियरली उसने बोल रखा है, सच दैट जो बी सी लेंथ है
बेटा ये लेंथ कितना है, पूरा डेढ़ गुना ऑफ बी ए। मान लो बी ए का लेंथ जो है वो एल है, तो ये कितना हो जाएगा, डेढ़ गुना एल। समझ में आ रहा है? मतलब ये क्वेश्चन फिर से एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया है। क्लियरली मीन्स दैट पॉइंट सी पॉइंट सी, अरे यार पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली सच दैट। लिखने का तरीका मैंने बताया, आप क्या करो, पॉइंट सी को पहले ए के साथ लिखो फिर बी के साथ लिखो। हाँ भाई, ये वाला लेंथ कितना है आपके पास, ये वाला लेंथ कितना है, ये अगर लफड़ा है और ये डेढ़ गुना लफड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा लफड़ा। अरे 1.5 माइनस 1.5 लफड़ा माइनस लफड़ा कितना हो जाएगा, 0.5 लफड़ा। तो सी ए रेशो कैसे लिखते हो मैं सिखा चुका हूं आपको, सी को पहले ए के साथ लिखो फिर उसी सी को आप बी के साथ लिखो, तो आपका एक्सटर्नल डिवीजन या इंटरनल डिवीजन दोनों का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 लफड़ा अपॉन सी बी, सी बी कितना है, सी बी इज 1.5 लफड़ा, तो 1.5 लफड़ा, लफड़े से लफड़ा गायब, 0.5 इंटू 5, 5 1:3, मतलब पॉइंट सी डिवाइड्स ए सी एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3, एक्सटर्नली 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये डिवाइड ए सी इंटरनली, एक्सटर्नली अगर रेशियो 1:3 है तो इंटरनली क्या हो जाएगा, इंटरनली हो जाएगा 1:-3। ठीक है, तो आप पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहोगे, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, पहले तो देखो मैं ए बी लिख देता हूँ अच्छे से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पर कहीं पॉइंट सी आ रहा है, वो 1:-3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कोई बात नहीं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए वेक्टर, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब उसके कोऑर्डिनेट ही है वो, और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, है ना, और वेक्टर बोलता हूँ इसका मतलब सी को आपने जरूर ओरिजिन से ज्वाइन करा है तब जाके वो कोऑर्डिनेट बना है। डिलीट कैश एंड रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो सी को आप क्या बोल सकते हो, सेक्शन फॉर्मूले से 1 × b का कोऑर्डिनेट, 1 × b का कोऑर्डिनेट प्लस -3 × a का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 1 + -3, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे अपने पास, b -3a डिवाइडेड बाय -2, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 3a/2 -b/2। समझ में आया क्या, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूले पे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे अब। ये वाले क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर टाइप के क्वेश्चन थे। देखिए मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर आर नहीं एंड लिखा है उन्होंने, सॉरी एंड मिड पॉइंट
ऑफ डायगोनल मीट्स देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड is a parallelogram. एक मिनट है ना, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट हो, आप लिखिए. ठीक है, सही, बराबर है. तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. अब आपको कुछ भी नहीं बोला इसने, इसने बस इतना बोला है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑपोजिट है ना, आप ये ले लो इसका मिड पॉइंट, कोई भी दो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ले लो. मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया और इसका मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको ए बी सी डी बोला मैंने. और मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स, देखो डायगनल नंबर वन ये रहा और डायगनल नंबर टू ये रहा, इन दोनों का मिड पॉइंट. तो डायगनल नंबर वन का मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा और डायगनल नंबर टू का मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा. अगर मैं इनको मिलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो मेरे सामने एक पैरेललोग्राम आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैंने डायगोनल्स को मिलाया तो मेरे सामने जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा एंड इट शुड बी अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट. बड़ा आसान है. आप लोग क्या करें कि हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ अज्यूम कर लो. जैसे ए का ए मान लिया, बी का पोजिशन वैक्टर बी वैक्टर मान लिया, सी का पोजिशन वैक्टर सी वैक्टर और डी का पोजिशन वैक्टर डी वेक्टर मान लिया. समझ आ रहा है? अच्छा, ये आर का पोजीशन वेक्टर मैं मिड पॉइंट थ्योरम से लिख दूंगा, क्या आ जाएगा? ए प्लस डी बाई टू. पी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बी प्लस सी बाई टू. ओके, अच्छा क्यू का बता दो तब तो मैं आपको इनाम दूंगा. क्यू का बताइए कैसे आएगा, बड़ा आसान है ना. ए प्लस सी का हाफ मिड पॉइंट है ना, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी बाई टू. जरूर आपको थोड़ा सा स्क्रीन अटकने का एक एक्सपीरियंस महसूस हुआ होगा, पता नहीं क्या हो गया इसको. पहले तो अच्छा चलता था, अभी कुछ दिनों से ही ऐसा हो रहा है. और S का क्या हो जाएगा, ये D और B का मिड पॉइंट है तो B प्लस डी बाई टू. ये B और D क्या है, कोऑर्डिनेट से तो है. अच्छा, तो ये पी क्यू आर एस अपने को चारों पॉइंट्स पता है.
ठीक है, अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम है। बताइए कैसे प्रूफ करेंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटर जो अपने सामने अभी येलो वाला बन रहा है ये क्वाड्रिलेटर है। किसी भी क्वाड्रिलेटर को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ कर दोगे कि भाई उसके ऑपोजिट साइड्स जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड दे आर पैरेलल। टू साइड्स आर पैरेलल एंड रिमेनिंग टू साइड्स आर आल्सो पैरेलल, तो इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम हो गया, सिंपल इज दैट, है ना। तो आप ऑपोजिट साइड पे टारगेट करें। ऑपोजिट साइड कौन सी है अपने पास? पी एस एंड क्यू आर। अच्छा सॉरी, तो ऑपोजिट साइड है पी एस और क्यू आर। तो मैं पहले पी एस को लिख देता हूँ। तो पी एस एक ऑपोजिट साइड है, तो पी एस वेक्टर क्या हो जाएगा? पॉइंट माइनस पॉइंट। एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास? बी प्लस डी बाई टू। बाई टू आएगा लेकिन वो बाई टू आगे भी आएगा ना। माइनस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या? बी प्लस सी बाई टू। तो माइनस बी प्लस सी में आ जाएगा माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अपने सामने ये डी माइनस सी बाई टू। उसी तरह से आप क्यू आर का भी निकाल सकते हो। निकालो क्यू आर का क्या आएगा। क्यू आर का आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो आर का पोजीशन वेक्टर माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लिखो लिखो। तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? ए प्लस डी बाई टू। बाई टू तो आएगा इधर, और क्यू का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ए प्लस सी बाई टू। तो ए प्लस सी बाई टू बाहर माइनस है, तो ए माइनस सी बाई टू आ जाएगा। तो ये ए से ए भी कट गया, तो आपके सामने क्या आ गया? डी माइनस सी बाई टू। ओ यार, नॉट अगेन। लिखो, बहुत बढ़िया, ये तो होना ही था। कभी ना कभी तो दम तोड़ना ही था इसे। तो ये भी आ जाएगा आपके सामने डी माइनस सी बाय टू। देखिए, दो वेक्टर पी एस और क्यू आर दोनों बराबर आ गए एक दूसरे के। पी एस और क्यू आर अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, मतलब इसका ये हो गया कि दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो मतलब दे आर डेफिनेटली पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल क्यों? क्योंकि एक वेक्टर को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पी एस वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स क्यू आर वेक्टर है। अगर बराबर है तो दे आर लैम्डा टाइम्स क्यू आर वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा क्या है? 1 के बराबर, है ना। तो अगर एक वेक्टर दूसरे टाइम दूसरे वेक्टर के स्केलर टाइम्स है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि पी एस एंड क्यू आर आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल तो है ही। दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो क्या मतलब होता है इसका? दे आर पैरेलल एंड देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि पी एस का मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो क्यू आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, है ना। सोचो थोड़ा सा, आप ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इफ दे आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है और दोनों इक्वल भी है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है ना। और आप ये भी बोल सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप इसको ओवरलैप करके यहाँ पे पुट कर दोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम आ रहा है ओवरलैप करने के बाद, मतलब दे आर इक्वल। दे आर इक्वल मतलब दे आर कम्प्लीटली ओवरलैपिंग ईच अदर। दूर दूर है भले ही, तो पैरेलल दिख रहे हैं, है ना। तो पैरेलल भी है और ओवरलैपिंग भी है, मतलब पैरेलल भी है और साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये वाली जो साइड्स है वो क्या आ गई आपके पास? पैरेलल एंड इक्वल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में टू साइड्स, अगर टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, it implies that
क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम ठीक है, नोट लिखे इन क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इन क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इफ कोऑर्डिनेट्स आर नॉट गिवन then assume as lambda is to 1. First point note ka. Second point, in any triangle internal angle bisector, internal angle bisector divides opposite side in the ratio of length of its sides, है ना? लिखो, समझाऊंगा मैं आपको अभी। हमारे पास अगर एक ऐसा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं एबीसी, इस पर एक एंगल है अपने पास इंटरनल एंगल, इसका एक बाइसेक्टर बनाते हैं। देखते जाओ, देख लो पहले फिर लिख लेना है ना। इसका मैंने बाइसेक्टर बनाया, ये रहा इसका बाइसेक्टर, है ना। अच्छा बताइए मुझे, ए के सामने वाली जो साइड होगी उसका, उसकी लेंथ अपन क्या मानते हैं? ए मानते हैं। B के सामने वाली साइड जो है उसकी लेंथ हम क्या मानेंगे? उसकी लेंथ हम लोग B मानेंगे। और C के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ हम C मानेंगे। ओके? तो होता क्या है कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है येलो कलर वाला, इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ने इसके सामने वाली जो साइड BC है इसको किस रेशियो में डिवाइड करा है? इसको डिवाइड करा है इसने इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड। मतलब ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पहला एंगल है वो ये है और दूसरा एंगल ये है। पहला एंगल किसको कंटेन कर रहा है? साइड सी को कंटेन कर रहा है। देखो ना, पहला एंगल इस साइड को कंटेन कर रहा है। तो ये वाला जो रेशियो आएगा वो आएगा सी इज टू, ये वाला एंगल किसको कंटेन कर रहा है? साइड बी को। तो सामने वाली साइड को वो सी इज टू बी में डिवाइड करेगा हमेशा। क्लियर है? तो अगर इस साइड की लेंथ सी है और इसकी बी है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमेशा यहां पर हिट करेगा और ये पॉइंट इस साइड बीसी को हमेशा सी टू बी के रेशियो में डिवाइड करेगा। ध्यान रहेगी प्रॉपर्टी, लिखते जाइए आप, है ना। यहां तक लिख डालो अच्छे से। अगला टॉपिक अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो आपको जो मैंने अभी यहां तक पढ़ाया है एक बार शांति से उसको रीड कर लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का अपन ब्रेक लेंगे। जितना मैंने पढ़ाया बस आप उसको कंसेप्ट वाइज एक बार फटाफट रीड करें एंड टेक अ स्लाइट ब्रेक। ओके, तो आई विल कम बैक व्हेन दिस टाइमर टर्न्स आउट टू 53। ओके, 53 पे वापस स्टार्ट करूंगा मैं।